press the bell icon on the YouTube app and never. अनम, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानियों को बुरा तो बुरी लगने की बात तो ये नहीं है. क्यों बुरा लगा है? किसी देश के झंडे को और किसी देश के नेशनल एंथम को सम्मान जब उस देश में रहने वाले जनता ही नहीं दे रहे हैं, तो आप दूसरों से ये उम्मीद लगा करके क्यों रखी हुई है कि दूसरा कोई बहुत सम्मान दे देगा? देखिए, जहां तक भारत के नागरिक की बात है, मैं सनातनियों की बात कर रही हूँ क्योंकि मैं उनके साथ उठती बैठती हूँ, मैंने उनके धर्म. सभी को जैन दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इस भारत पे. आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे. तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे जहां एक तरफ अफगानिस्तानी भारत की इज्जत करते हैं, भारतीयों को प्यार करते हैं, वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तानी पाकिस्तान को नफरत भी करते हैं और पाकिस्तान की बेइज्जती भी करते हैं. तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर यूट्यूबर अनम शेख को, जो कि इसी टॉपिक पे रिएक्शन लेंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया अली खान जी का. तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा. तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपसे लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें. तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे. जय हिंद, जय भारत. आपके आपके देश के नेशनल एंथम को और देश को आगे रखता है और इस्लाम को बाद में रखता है. बता दीजिए मुझे 5 लोगों का नाम. तो जब आप खुद उस देश में रह करके, उस देश में वोट करके, उस देश का नमक खा करके, उस देश की मिट्टी में रह करके, उसी देश के पानी से वजू करके, उसी देश की मिट्टी में दफन हो करके, उसी देश में कमा के कजा करके आप अपना पेट भर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको पाकिस्तान दे रहा है, लेकिन फिर भी जब कोई आपसे पूछता है कि देश पहले या इस्लाम पहले, तो आप लोगों के जुबान से निकलता है इस्लाम पहले देश बाद में. मातरम भारत माता की जय, जय जगन्नाथ. मैम, आज का जो टॉपिक है वो बहुत 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 ही ज्यादा रुला देने वाला पाकिस्तानियों के लिए है, क्योंकि हमेशा से हम देखते आए हैं पाकिस्तानी क्लेम करते हैं, पाकिस्तान क्लेम करता है कि अफगान पाकिस्तान भाई भाई, मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई, अफगान जो है उसके लिए हमने बहुत कुछ किया, लेकिन हमेशा से अफगान ने हमें जो है वो धोखा ही दिया है. तो इस बार भी ऐसे कुछ हुआ है जहां हमने देखा कि पेशावर से खबर निकलती है कि अफगान जो डिप्लोमेट थे वो एक कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं और वहां पर नेशनल एंथम जो है वो पाकिस्तान का चलाया जाता है, तो सब खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो दो जो आगे बैठे हुए हैं वो नहीं खड़े होते. और इसको जो है एक डिसरिस्पेक्ट समझी जा रही है, बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट है कि सब खड़े होते वो नहीं होते, और इस टाइम ये खबर जो है वर्ल्ड वाइड मूव कर रही है. दूसरी तरफ हम देखें तो अफगान वही हैं जो इंडिया का झंडा लहराते भी नजर आते हैं, अफगान वही है, तालिबान वही हैं जो इंडिया के साथ बहुत मोहब्बत दिखाते नजर आते हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के फ्लैग के एंथम का वो बहुत ही बुरी तरह से डिसरिस्पेक्ट करते. क्या कहेंगी मैम, क्या वजूहत है, क्या कमियां हैं जो अफगान हमेशा से ऐसे करते आ रहे हैं? अनम, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानियों को बुरा तो बुरी लगने की बात तो ये नहीं है. क्यों बुरा लगा है? किसी देश के झंडे को और किसी देश के नेशनल एंथम को सम्मान जब उस देश में रहने वाले जनता ही नहीं दे रहे हैं, तो आप दूसरों से ये उम्मीद लगा करके क्यों रखी हुई है कि दूसरा कोई बहुत सम्मान दे देगा? देखिए, जहां तक भारत के नागरिक की बात है, मैं सनातनियों की बात कर रही हूँ क्योंकि मैं उनके साथ उठती बैठती हूँ, मैंने उनके धर्म को और उनकी धर्म के प्रथाओं को और उनके अध्याय को मैंने पढ़ा है और उनको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करते हुए देखा है अपने सनातन धर्म को. तो सनातन धर्म में क्या होता है कि वो लोग सारे मजहब और धर्म को और सारे देश के नेशनल एंथम को और झंडे को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, और यही वजह है कि ये ऑरा मेरे अंदर भी है. मैंने कभी भी पाकिस्तान की सरकार के बारे में बोला है, पर आपके नेशनल एंथम के अगेंस्ट में कभी भी नहीं बोला है. आप मेरी सारी पाकिस्तानी चैनल की रिकॉर्डिंग निकाल करके देख लीजिए, ना ही मैंने आपके झंडे के बारे में कोई खिलाफ ऐसी कोई बदजुबानी या बदसलूकी की है, क्योंकि वो मैं कर नहीं सकती, क्योंकि जिन लोगों की भीड़ में मैं रहती हूँ, जिन लोगों के सर्कल में मैं रहती हूँ और जिस श्रीमद् भगवद गीता को मैंने पढ़ लिया है, उसके बाद उसको पढ़ने के बाद मैं कभी भी किसी भी देश के सेंटिमेंट को हर्ट तो नहीं कर सकती हूँ.
लेकिन आपने अभी जो बात कही है कि आखिर पाकिस्तान से ऐसी क्या कमी रह जा रही है जो अफगानियों ने ऐसा किया कि वो आपके नेशनल एंथम में खड़ा नहीं हुआ और ऑनर नहीं किया और रिस्पेक्ट नहीं किया। अब मुझे 5 आदमी का नाम बताइए, इंक्लूडिंग आप खुद, आप भी अपने आप को जोड़ करके 5 आदमी का नाम बताइए जो आपके देश में आपके आपके देश के नेशनल एंथम को और देश को आगे रखता है और इस्लाम को बाद में रखता है। बता दीजिए मुझे 5 लोगों का नाम। तो जब आप खुद उस देश में रह करके, उस देश में वोट करके, उस देश का नमक खा करके, उस देश की मिट्टी में रह करके, उसी देश के पानी से वजू करके, उसी देश की मिट्टी में दफन हो करके, उसी देश में कमा के कजा करके आप अपना पेट भर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको पाकिस्तान दे रहा है, लेकिन फिर भी जब कोई आपसे पूछता है कि देश पहले या इस्लाम पहले, तो आप लोगों के जुबान से निकलता है इस्लाम पहले देश बाद में। तो फिर आज ये बुरी लगने वाली बात कौन सी आ गई और कहां से आ गई, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। अब आपने कहा कि अफगान हमेशा आप लोगों को बिट्रे करता है, तो कैसे बिट्रे किया भाई? एक वक्त था कि पाकिस्तान को 56 मुस्लिम मुल्क जो है वो पैसे से, पावर से, इसलाह से, बारूद से, छुपने से, छुपाने से, इकोनॉमिक से, हर तरीके से मदद करता था, एक वक्त था। फिर एक वक्त आया कि सारे देश को, इंक्लूडिंग यूएन और इंटरनेशनल कोर्ट को पता चला कि आपके पाकिस्तान की सरकार सिर्फ माइनॉरिटी को खत्म करने के चक्कर में लगी हुई है और पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन से डिक्टेटरशिप चलाना चाहती है और पूरी दुनिया के लोगों को परेशान करना चाहती है। जब ये पूरी दुनिया को पता चल गया तो 56 मुस्लिम मुल्कों ने भी आपके मुंह पर थूक दिया। आज अगर पाकिस्तान चल रहा है, आज अगर पाकिस्तान देश मैप में, दुनिया के मैप में दिखाई दे रहा है, तो ओनली बिकॉज ऑफ चाइना। आज अगर चाइना ने अपना हाथ खींच लिया तो पाकिस्तान कब्रिस्तान बन जाएगा, पाकिस्तान तो मैप में दिखाई नहीं देगा। अब आती है तीसरी बात कि आप जिन अफगानियों की बहु बेटियों को लूटे, जिन अफगानियों की संपत्ति प्रॉपर्टी लूटे, जिन अफगानियों को आपने सिटीजनशिप नहीं दिया सालों साल, बरसों बरस, डेकेड डेकेड रहने के बावजूद भी, जिन अफगानियों को कुत्ते बिल्ली की तरह धक्के मार करके 2022 और 23 में पाकिस्तान की सरकार ने निकाला, जिन अफगानियों की 6-6 साल की बच्चियों को आपके पाकिस्तान के मुसलमानों ने लूटा है, उनका रेप किया है, जिन जिन अफगानियों के पुरुषों के बॉडी के ऑर्गन को ट्रैफिकिंग किया गया है, जिन अफगानियों के नौजवान बेटों को टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनाया गया है, और जब कुछ नहीं समझ में आया इतने सारे जिहादी तालिबानी एक्टिविटीज करने के बावजूद भी, तब आपकी सरकार ने उनको भेड़ बकरियों की तरह निकाल करके बाहर फेंक दिया, तो अब आप उनसे एक्सपेक्टेशन बहुत पॉजिटिव क्यों रख रही हैं? आपको तो रखना भी नहीं चाहिए एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव। और आपके बार बार मुझे इस सवाल का जवाब समझ में नहीं आ रहा है कि आपने कहा भी कैसे कि आपसे, पाकिस्तान से ऐसी क्या गलती हो रही है जो वो आपके नेशनल एंथम में खड़े नहीं हुए। अरे आप खुद नहीं मानते देश को आगे, आप तो देश को पीछे रखते हैं, आप तो खुद ही देश को आगे नहीं मानते हैं। देश के प्रति मोहब्बत आकर भारत में देखिए कि उसको कहते हैं देश के प्रति मोहब्बत। आपने मेरे बारे में इतना कुछ सुना है और हर एक सोशल साइट में आप मुझे देख रही होंगी, मेरे ऊपर केसेस होते हैं, मुझे मारने के लिए की धमकी आती है, मुझे मारने की साजिश की जाती है, लाखों लोग कोर्ट के प्रीमाइसेस में मुझे घेर लेते हैं मुसलमान, मेरा गला काटने के लिए मेरी मॉब लिंचिंग की तैयारी की जाती है, लेकिन नाजिया इलाही खान के कलेजे में और दिल में और दिमाग में जो देशभक्ति है वो निकल ही नहीं रही है और ना ही निकलेगी। आज मुझसे अगर कोई पूछेगा कि आपके लिए इस्लाम पहले है ना देश पहले, मैं नाजिया इलाही खान पूरे जिम्मेदारी से, पूरे होशो हवास में आपसे कह रही हूं कि नाजिया इलाही खान के लिए भारत देश पहले है, भारत देश का संविधान पहले है
और उसके बाद ये मेरी पर्सनल जिंदगी है कि मैं मुसलमान हूँ तो वो मेरे घर में है मेरा इस्लाम। जब नाजिया इलाही खान घर से बाहर निकलती है तो वो देशभक्त होती है, वो देश की वोटर होती है, वो संवैधानिक एक महिला होती है। हिंदू मुसलमान बहुत बाद में आता है अनम। आप देश के प्रति कितने आप लॉयल हैं, आप देश के प्रति कितने ज्यादा आप मोहब्बत रखते हैं, ये आपके शब्दावली से, ये आपकी हरकतों से, ये आपकी एक्टिविटीज से दिखाई देता है। और जो लोग देश के प्रति मोहब्बत नहीं रखते हैं वो भी दिख जाता है। हमारे भारत, मैंने एक ट्वीट भी किया था, पश्चिम बंगाल में एक सभा चल रही थी, एक मीटिंग चल रही थी किसी ग्राम में, वहां पर नेशनल एंथम हमारे भारत का गाया जा रहा था, जन गण मन अधिनायक जय है, और सारे लोग खड़े थे, ऑब्वियसली सारे लोग खड़े होंगे उसके ऑनर के लिए। पर उस सभा में एक मौलाना साहब थे जो कंटिन्यूअसली अपना फोन बैठ करके चेयर पर देख रहे थे, और जिस लड़के ने मुझे वो वीडियो पीछे से बना करके भेजा उसने कहा मेरा नाम रिवील मत कीजिएगा दीदी, आप इसको पोस्ट कर दीजिए, क्योंकि लोगों तक ये बात, ये संवाद जाना चाहिए कि भारत में रह रहे मुसलमान भारत देश के नेशनल एंथम पर खड़े नहीं होते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह नाजिया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपसे लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।